This call is now being recorded. कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट हमेशा के लिए कैसे हम बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम कॉल रिकॉर्ड करके आपको सुना देते हैं। जैसे हम 198 पर कॉल करते हैं पहले आपको दिखाने के लिए, उसके बाद तो दोस्तों अगर चुपके से किसी का कॉल रिकॉर्डिंग हमको करने की जरूरी पड़ गया तो जैसे कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो इधर तो अनाउंसमेंट करता ही है लेकिन उसके साइड भी अनाउंसमेंट करता है तो उनको पता चल जाता है कि मेरा कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है। जो तरीका आज हम बताएंगे उस तरीका से आप कॉल रिकॉर्डिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा। जैसे प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा तो यहाँ सर्च बार में आपको टाइप करना होगा ओ डायलर लिखकर। यहाँ पे देखिएगा ओ डायलर लिखकर सर्च किए तो यहाँ पे देखिएगा तो ओ डायलर का एप आ गया। यहाँ पे देखिएगा तो ये 4 का स्टार रेटिंग है, 25 MB का है। उसके बाद इसको डाउनलोड देखा जाए तो 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है इसका। तो इसको छोटा सा एप्स है, इसको डाउनलोड आप कर लीजिएगा। दोस्तों कोई स्पॉन्सरशिप ये वीडियो नहीं है, बस आपको नॉलेज के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इसको डाउनलोड हम हो जाने देते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ डायरेक्ट आपको ओपन करने का ऑप्शन मिल रहा है, चाहे तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओ डायलर का आपको ऑप्शन मिल गया। ये गूगल डायलर है जो आपको फोन में पहले से दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको ओ डायलर को आप ओपन कीजिएगा। जैसे ओपन कीजिएगा तो कुछ आपको इसमें छोटा सा एक सेटिंग करना होगा, उसके बाद यहाँ से ओके का परमिशन आप दे दीजिएगा। उसके बाद ओ डायलर पर आपको टिक लगा देना है। जैसे टिक लगा दीजिएगा तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट एज डिफॉल्ट। सेट एज डिफॉल्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ से आपको फिर से परमिशन मांगेगा, तो यहाँ से परमिशन का ऑप्शन दबा दीजिए। एक बार और परमिशन मांगेगा, एक बार और परमिशन आपको दे देना है। जैसे परमिशन दीजिएगा यहाँ पे देख सकते हैं आपके फोन में जितना नंबर था सब यहाँ पे शो कर दिया। अब चलिए इसको हम कॉल लगाकर देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम कॉल लगाकर देखेंगे तो उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। मोबाइल पर जानकारी खातिर इस पर जितना परमिशन मांगेगा सब परमिशन को आप अलाउ कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि अनाउंसमेंट नहीं हुआ। फिर इसको अगर हम बंद करते हैं तो देख सकते हैं बंद भी किए तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो आपका पुराना वाला पहले डायलर पैड है, तो इस डायलर पैड के आप पहले रिमूव करना चाहते हैं तो इसको रिमूव कर दीजिए। यहाँ से करके इसको कट कर दीजिएगा, ये रिमूव हो गया। और जो अभी अभी ओ डायलर हम लोड किए उसको इस तरह घींच कर लाकर यहाँ पे कर दीजिएगा। अब इसमें जितना भी कॉल आएगा या कॉल इधर से कीजिएगा, अगर कॉल रिकॉर्डिंग आप कीजिएगा तो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगा। अगर इसमें ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना हो तो कैसे करेंगे, तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए सबसे पहले यहाँ साइड कॉर्नर में ऊपर की तरफ देखिएगा तो आपको 3 डॉट का निशान मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा। जैसे सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग का। कॉल रिकॉर्डिंग पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑल कॉल, इसको रिकॉर्ड ऑल कॉल पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये ऑन हो गया। तो ये जितना आपका कॉल रिकॉर्डिंग होगा जो नंबर सेव होगा वो, और जो अननोन नंबर आता है वो भी नंबर सब रिकॉर्ड होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह आप बहुत आसानी से ओप्पो वीवो रियलमी किसी भी फोन में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।